इन्हीं सड़कों पे आप देखेंगे कि आवाम इनको घसीटेगी और इनको अपनी वोट की कोच से ये बता देगी कि ये कल भी नवाज शरीफ का गढ़ था और आज भी मियां नवाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्तान के ये शेर हल्का NA 149 के जियाले और मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आज ये अपने इस कारकुन के साथ यहाँ पर कागजात जमा कराने के लिए तशरीफ लाए हैं। और ये आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ मुल्तान की आवाम के दिलों में बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जब नवाज शरीफ के चाहने वाले जब उठ के खड़े हो जाते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि ये सामने कौन है और ये क्या है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि मुल्तान की सिर्फ इस हलके की आवाम ही नहीं, पूरे मुल्तान से इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे और मुल्तान की पूरे मुल्तान डिवीजन की हर सीट हम जीतेंगे। सियासी मुखालफीन ने जो इस मुल्क का हशर किया है उन्हें अब मैं बता देना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब वो मुल्तान की नहीं पाकिस्तान की आवाम तुम्हें इन सड़कों पे घसीटेगी। तुमने जो हाल किया है पाकिस्तान का और जो तुमने खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ कि हमें 40 साल पीछे उठा के फेंक दिया है, इंशाल्लाह इन्हीं सड़कों पे आप देखेंगे कि ये आवाम इनको घसीटेगी और इनको अपनी वोट की कोच से ये बता देगी कि ये कल भी नवाज शरीफ का गढ़ था और आज भी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का मैं कारकुन हूँ और NA 149 से मैंने कागजात जमा कराए हैं और इंशाल्लाह ताला मैं ना मुखालफों से घबराता हूँ, मैं बल्कि उन्हें ये कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब इन शेरों की बारी है। ये शेर तुम्हें दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से इलेक्शन में लड़ा जाता है। टिकट कंफर्म हो गया जी इंशाल्लाह। एक मैं कारकुन हूँ और कारकुन का टिकट कोई नहीं रोक सकता।